नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर बिजनौर से है, जहां एक ऐसा जिगरी दोस्त जिसने अपने ही दोस्त का इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि लाश को टुकड़ों में तब्दील करके भारी भरकम जिस्म को कंकाल बना डाला। वहीं पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से कई दिन से कातिल दोस्त खुलेआम घूम रहा था। आखिरकार एसपी के सख्त हिदायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल दोस्त को आला कत्ल सहित जंगलों से लाश के अवशेष को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये कत्ल की पूरी दास्ता है बिजनौर के गंगोड़ा शेख गांव की, जहां पर आसिफ व अयान नाम के युवक आपस में गहरे दोस्त थे। दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई अंदाजा शायद आसिफ व उसके परिवार को भी नहीं था। बता दें कि 26 जुलाई की शाम से आसिफ की मां अपने लाल की तलाश में रात भर जागती रही, फोन करती रही, आसपास तलाशती रही, लेकिन आसिफ का कहीं पता नहीं चला तो परिजनों को चिंता सताने लगी। आसिफ के परिजनों ने 27 जुलाई की सुबह कोतवाली देहात थाने में अपने गुमशुदा बेटे की लिखित में तहरीर दी, लेकिन नकारा। सुस्त पुलिस ने आसिफ को तलाशने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि शक के आधार पर आसिफ दोस्त अयान को पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ के बाद कुछ घंटे के बाद ही छोड़ दिया था। आसिफ का परिवार रोजाना थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन बेरहम पुलिस का जरा भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार पुलिस आसिफ के परिजन तेजतर्रार एसपी से मिले, पूरा घटनाक्रम बताया तो एसपी ने नाराजगी जताते हुए कोतवाल को जमकर लताड़ लगाई। एसपी की नाराजगी के बाद पुलिस हरकत में आई। 9 दिन के बाद यानी सुबह अचानक अयान नाम के आरोपी दोस्त से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने कत्ल के सारे राज उगल दिए। बीती रात जंगल में कातिल के निशानदेही पर अयान कातिल ने अपने दोस्त को इतनी बेरहमी से कत्ल की वारदात को अंजाम दिया कि सबसे पहले अयान ने आसिफ की गर्दन काटी, फिर हाथ को चाकू से काटकर पूरे शरीर को अलग अलग करके जंगल में अलग अलग टुकड़े करके फेंकाया। पुलिस ने आला कत्ल सहित अवैध हथियार के साथ आरोपी अयान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कातिल अयान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि दोनों ने जंगल में पहले शराब पी, उसके बाद में आसिफ जबरदस्ती अयान के साथ कुकर्म करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि कातिल अयान ने पुरानी रंजिश के चलते ही उनके बेटे अयान की हत्या की है। सुनिए दोबारा से बताना, क्या नाम है आपका? अफसाना जी, आपका लड़का कब गायब हुआ था और उसके बाद आप कहाँ कहाँ चक्कर काटते रहे, बताएं? 6:40 पे फोन आया था, इसके पास घर ही लेटा पड़ा था वो, मैं आटा गूंद रही थी तो इसके पास फोन आया, हाँ हेलो, मैंने क्या कहा, अने कहा हैगा ने घर पे होऊंगा, अने कहा हैगा तू जोड़े पे ना आ जा जोड़े पे को, अरे तो चला आ रही होऊंगा, चप्पल पहन के बाहर चला गया, चप्पल पहन के बाहर चला गया तो दुकान हैगी इधर, वहाँ से दिल बाग लिया, दिल बाग खा तो मुंह में डाल दो हो, मेरे मंदिर से की खून से जा रहा है, दिख रहा मुझे अच्छा खासा फूल आया, कोई बात नहीं बतेरी देर हो गई, फिर मैंने इसे फूल लगाया 8:30 बजे, मैंने कहा आ जाएगा, फूल नहीं खाता किसी का भी, सुबह सुबह ही जब आग खुली रात के 12 बजे तक फूल करती रही, फूल नहीं खाया, जब उसका कुछ पता ही ना, फूल 12 बजे तक फूल लगता रहा उसका, मैं लगाती रही देखती रही कोई आ रहा आदमी कोई जा रहा, इधर से इधर को कुछ आदमी इधर से आ रहा है कुछ इधर से आ रहा है, सारा कुछ दिख रहा मुझे बैठी हुई को, बस वो ही नहीं नजर आ रहा, सुबह हो गई या देखते देखते आँखों में दरवाजा ऐसी खुला पड़ा, क्या अब आवे कुछ नहीं कहने की सो जाएगा आके ना, वो पूरी रात आया, सुबह को 5:30 बजे फूल लगाया तो उसका फूल स्विच ऑफ आ रहा, सुबह ही जब 6 बजे उठ के जोड़े की तरफ चली गई, पहले घर आई हाँ गाड़ी देखी कि गाड़ी है ही खड़ी, जोड़े की तरफ चली गई तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो यहाँ था, कि मैंने यहाँ देखा कि कहाँ है, कि कुछ ने कुछ नहीं बताया, फिर सारा दिन हो गया, फिर दोबारा आई यहाँ देखा, यहाँ पूछती पालती छत पे गई कि कहीं यहाँ सो रहा है, जब कुछ नहीं पता पड़ा फिर जोड़े पे चली गई, फिर पूछताछ करी कि तुमने आसिफ को देखा है कहीं, कि किसी ने नहीं बताया कुछ भी, क्या नहीं यहाँ आता रात यहाँ आता यहाँ वहाँ था कुछ नहीं, बस 2-4 औरतों को लेके मैं फिर जंगल को निकल गई, जंगल में 10-5 औरतों ने यहाँ तलक छपे, यो एक एक सिस्टम खड़ी सागे तलक तीखो में ढूंढा, मैंने खुद ने ढूंढा कहीं कुछ नहीं पता पड़ा, तब मैंने फोन करके सबके पास बोल दिया कि आज सबके कोई पता नहीं पड़ा क्या है क्या नहीं, सारा दिन हो गया प्रधान जी के पास चली गई, प्रधान जी फिर ले गए मुझे कोतवाली, मैं तहरीर लिखवा दी क्या ऐसा ऐसा हमारा लड़का गुमशुदा है कुछ नहीं पता पड़ गया, पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी उस वक्त भी,
शाम हो गई आ गई, फिर आ गए ढूंढने लगी, फिर इधर कब्रिस्तान आएंगे, कब्रिस्तान में भाग गए क्या कह देखा उसे, वहाँ देखा वहाँ बेहोश पड़ा ईख में, क्या किसी ने देखा क्या, वो जो कब्रिस्तान में रह रहा था उसने क्या, मैंने आसिफ को देखा क्या यहाँ खड़ा था, एक आदमी और बोला कि एक लड़का था यहाँ और वो भाग गया है इधर को, क्या अगर भागता तो वो किसी से डर क्यों तुरे रहा था, जब अगर देखो डर तुरे माने तुरे गया कुछ, क्या मैं तो अकेली थी घर में, अकेली तो थी मैं, दो पुलिस वाला आ गए, वो भी क्या तुम्हारा बच्चा देख लो यहीं पर होगा, कुछ ऐसी बात हो सके जो माँ बाप से ना कहे, मैं इनके भैया जब यहाँ होता तो वो मिलता ना क्या, पुलिस वाले भी चले गए कोई कार्रवाई नहीं, पूरी रात हो गई, पूरी रात यहाँ बैठी रही ढूंढती रही, गांव वाले भी ढूंढते। किस तारीख को गायब हुआ था लड़का? 26 तारीख को। आप पुलिस में अगले दिन गए थे? जी। फिर पुलिस जिस लड़के पर आपको शक था उसका क्या नाम था? अयान। आपने पुलिस को उसके बारे में बताया था? उसके जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई तो उस लड़के का नाम आया कि अयान नाम का लड़का, साकिर नाम का उसका पापा का नाम हैगा, उसका नाम अयान, तो सुबह को मैं खुद उससे पूछने गई, उसने ये कह दिया कि मेरे साथ यहाँ तलक था छपेड़ा तलक, और मुझे नहीं पता फिर वो कहाँ गया कहाँ नहीं, मैंने क्या बता दे तुझे पता हो तो कुछ, उनने भी कुछ नहीं बताया, फिर अगले फिर धुन तो फिर हो गए, पूरा दिन हो गया इसी तरह से खत्म, फिर धान जी के पास पुलिस के पास किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, अगर कार्रवाई करते तो आज मेरा बच्चा मिलना जाता क्या, जब उसे शाम से ही मार के डाल दिया तो उसका क्या पता पड़ता किसी ने, अयान अयान को पुलिस ने उठाया था तीन दिन कितने दिन बाद उठाया था जब घटना हुई थी, पुलिस को ले गई थी उसे पूछताछ के लिए? हाँ पुलिस तीसरे दिन आई, फिर एक घंटे के लिए लेके गई, उसके बाद हाथों हाथी एक डेढ़ घंटे में पता पड़ा कि वो घर आ गया अपने। अच्छा छोड़ दिया था? छोड़ दिया, कुछ नहीं, पुलिस ने प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी, उन्होंने भी ये कह दिया कि हाँ तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। अब आपका जो खुलासा हुआ है जो बॉडी लाश जो मिल रही कंकाल मिला है, तो कल भी आप कहीं अधिक अधिक एसपी से के पास गए थे आप, वहाँ क्या हुआ जब आप? वहाँ ये हुआ जो वे थे कोतवाली वाले जो दरोगा थे एसपी साहब ने उन्हें बहुत सवाल लगाई कि तुम्हारा बच्चा अगर खोया जा तो तुम क्या करोगे, सारे काम छोड़ के अपने बच्चों को ढूंढ के क्या करा तुमने, उसका फोटो भी नहीं निकलवाया, उसकी लोकेशन कहाँ तक देखी तुमने, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दे, चुपचाप होकर खड़े हुए यूं करके देख रहे हैं उनके मुंह को, सर बहुत बोलते रहे कि तुमने उसकी कोई छानबीन करी, क्या दिन होगा इनके बच्चों को आज 10 दिन हो गए तुमने कोई छानबीन करी हैगी, चुपचाप उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्हें, सर को कोई कुछ भी जवाब नहीं दिया कि जाओ ढूंढो उनके बच्चों को कहाँ कहाँ क्या कोई लोकेशन मिली जहाँ से लोग उसका फोन ट्रिप करा तुमने। तो अब बच्चे की जो लाश मिली है कहाँ मिली थी ये रात कब, पुलिस कब आई फिर कल? रात 3 बजे करीब मेरे पास फोन आया था थाने से कि मेरी बात फलाल लड़के से करवा दो, तो मैंने कहा कि सर क्या बात है कि तुम उससे बात करा दो, वो के बोले कि उन्होंने फोन काट दिया, फोन काट के जब उन्होंने फोन करा इनके पास तो ये जब ही तुरंत फोन के फिर धान जी के पास चले गए, इन्होंने जब उस तलक कुछ नहीं बताया, बाद में ये खबर सुन पाई कि उस लड़के की यहाँ से छपेड़े पे से ही हाथ लाश मिली जो अच्छा, मिला है उसकी जो बच्चे की तुम्हारे लाश मिली वो किस हालत में मिली कैसी है मतलब क्या? जब मैं बरू की गई थी जब देखो इतने बड़े थैले में रख रखा था और कुछ नहीं दिखाया उन्होंने मुझे, इतने बड़े थैले में रख रखा था कुछ नहीं दिखाया, चप्पल पहनने की सफेद चेक की शर्ट है गया, एक जींस पहनने की, एक मोबाइल ना उसके मोबाइल का पता पड़ गया कुछ भी। अच्छा ये इस लड़के ने मारा है अयान ने, उसके आपकी कोई दुश्मन आ की थी कुछ क्या? नहीं। क्या वजह रही, क्या ये दोस्त थे आपस में? दोस्त भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, जो कहता कहता ऐसे तो बच्चे बच्चों के साथ फिर एक बार लड़ाई हुई थी हमारी, 1 साल हो गया पूरा, तो हमारे कुटुंब मोहल्ले के ही हैंगे उनके साथ लड़ाई हुई थी, नहीं हमारे बच्चों की या हमारे बड़े बुढ़ों के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हैगी। फिर भी आपको क्या वजह लग रही, क्यों मारा होगा उसने? मुझे तो यही लग रहा है कि यो कसूमत निकाल ली गई, उसे पहले भी बहुत मारा था, पूरा मुंह सूजा दिया था उसका, उसी के साथ कसूमत निकाल ली। क्या नाम है आपका? विक्रामुद्दीन जी। क्या कब से आपका लड़का गायब था और क्या आपने पुलिस में शिकायत की थी बताओ? मैंने गुमशुदा की तलाश लिखाई थी तहरीर। कब? 27 तारीख 26 तारीख में 6:30 बजे से घर किसी का फोन आया,
जिस पर वो गया। बताओ फिर। फिर बस वो यहीं तक आते हुए देखा हमने, उसके बाद हमने कुछ पता नहीं पड़ा उसका, वो किधर गया कहाँ गया, पता पड़ा कि जोड़े पे गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? 26/7/2024 को गंगोड़ा शेख निवासी थाना कोतवाली देहात, इन्होंने सूचना दिया थाने पर कि इनका 24 वर्षीय पुत्र आसिफ जो है वो गुमशुदा है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। तलाश के मध्य बीती रात्रि जो है ये एक व्यक्ति अयान सनाफ साकिर निवासी गंगोड़ा शेख जो संदिग्ध था उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत उसने घटना का जुर्म इकबाल करते हुए मृतक का शव को जो है पास के गांव के पास ही गन्ने के खेत से बरामद कराया और वहीं से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक अदद तमंचा कारतूस तथा अभियुक्त द्वारा घटना के समय जो कपड़े पहने गए थे जिसपे खून के निशान थे, जिसके उनके द्वारा धो दिया गया था, उसे भी बरामद कराया गया। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में फ़ोन से बात किए, फिर गांव के पास ही तालाब के पास बैठ करके पहले शराब पिया, शराब के बाद फिर ये लोग गन्ने के खेत में गए जहां पर जो है मृतक द्वारा अभियुक्त के साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त द्वारा चाकू से लगातार अचानक उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से पुलिस ने घटना का एक जो अज्ञात घटना थी इसका सफल अनावरण किया है और गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।